से शुरू होने जा रहा है। सत्र की तारीख के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने जी मीडिया के साथ खास बातचीत की और कहा कि कानून व्यवस्था और आपदा राहत कार्यों में नाकामी पर सरकार को घेरेंगे। इसके साथ ही अवैध खनन, साधु संतों की मौत, महिलाओं के प्रति अपराध और उत्पीड़न जैसे मामलों को विधानसभा में उठाएंगे। विधानसभा के आगामी सत्र के लिए 19 सितंबर की तारीख तय हो गई है और इसके साथ ही बीजेपी ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। हमारे साथ मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उनसे बात करते हैं। कटारिया जी, क्या तैयारी बीजेपी करेगी, किन मुद्दों के साथ इस बार सदन में जाएंगे? देखो, क्या है कि पिछला बजट सत्र जब हुआ था उसके बाद ये सत्र बुलाया है। इस बीच के कालखंड में राजस्थान के कानून व्यवस्था की तो धज्जियाँ उड़ करके रह गई। सांप्रदायिक विद्वेषता के इतने बड़े, चाहे करौली हो चाहे और कोई भीलवाड़ा हो, एक के बाद एक घटनाएं हुई है। निरपराध लोगों को गला काट दिया गया, मार दिया गया। महिलाओं के अपराध की पराकाष्ठा हो गई, अगर उनको एक एक को वर्णन करें तो बहुत कुछ है। साधुओं ने आत्महत्या की या साधुओं को मार दिया गया। खनन माफियाओं का एक जाल सा बिछ गया है और एक सत्तारूढ़ पार्टी का ही मेंबर अपने मंत्री को भ्रष्टाचार का सिरमौर बता करके भी बात करता है। मंत्रिमंडल में भी भारी असंतोष दिखाई देता है। कभी विश्वन सिंह जी कुछ बोल जाते हैं तो कभी चांदना जी कुछ बोल जाते हैं, कभी जो है हमारा इनके जो बीएसपी से आए हुए मंत्री हुड्डा जो हैं वो सरकार के खिलाफ और अपना असंतोष जाहिर करता है, कभी निर्दलीय सदस्य के रूप में संयम जो है वो अपनी कुछ बात बोल देता है, और सारे एमएलए के मन में असंतोष भी है और लूटने की एक कंपटीशन भी है। सरकार कमज़ोर होती है तो सारे के सारे एमएलए को छूट दे रखी है, जो चाहो जिस थानेदार लगाओ, जो चाहे जिसको लगाओ। डॉक्टरों के ट्रांसफ़र के बारे में भी ये मेरी जात का है, मेरी जात का नहीं है, यह भी एक विषय बन करके जनता के सामने आता है। और अब की बार बारिश की भी इतनी अधिक मार रही है कि खेतों में बुआई नहीं हुई है, जिन खेतों में बुआई हुई उसमें पैदावार नहीं हुई। पानी के कारण से भी लोगों को भयंकर आपदा का सामना करना पड़ा, कई लोग मौत के शिकार हो गए, कई लोग बह गए गए। तो आपदा राहत का भी जैसा प्रबंधन चाहिए, जबकि मौसम विभाग हर समय अलर्ट कर रहा था, और अब की बार मैं ऐसा मानता हूँ मौसम विभाग की रिपोर्ट लगभग ठीक ठीक जा रही थी, जैसा उन्हें तो उसकी भी कोई तैयारी नहीं है सरकार की, और केवल अपनी सरकार बचाने में ही मुख्यमंत्री का सारा समय जा रहा है। कभी वो दिल्ली भागते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उनको वहाँ बुलाते हैं, कभी ये वहाँ जाते हैं, और जिस जिस प्रकार के स्टेट, अगर मुख्यमंत्री के दिए हुए सारे स्टेटमेंट को भी एक साथ इकट्ठा करके वहाँ अगर कोई भाषण कर दे तो मुख्यमंत्री जी की पिक्चर दिख जाए राजस्थान की जनता को कि मुख्यमंत्री या क्या बोल रहे हैं, क्या किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। तो एक तरह से फिर शिक्षा की जिस तरह से बंठा ढाल हुआ है ना, पहले पेपर लीक हुआ, उसके बारे में अभी तक किसी पायदान पे नहीं पहुंच पाए कि वास्तव में हुआ क्या क्या नहीं है। उसके बाद पूरी यूनिवर्सिटियाँ जो है ना भगवान भरोसे चल रही है, वाइस चांसलर है ही नहीं तो है ही नहीं, और कुछ है वाइस चांसलर तो वो इतने बदनाम है, और इस तरह से अपमानित होकर के शिक्षा के मंदिर में इस प्रकार से अपमानित होकर के और कोई वाइस चांसलर बाहर जाए या आए, तो एक तरह से अराजकता का माहौल है। सरकार ईमानदारी से जनता के लिए नहीं चल रही, सरकार अपने आप को बचाने के लिए चल रही, तो विषय तो अनेक हैं। तो यह है नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, जो विधानसभा में सरकार को घेरने के लिए अपनी रणनीति पर तो बात कर ही रहे हैं, साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जनता थर्मामीटर से सब चीज़ नापती है और जब समय आता है तो जनता सही समय पर सही जगह चोट करती है। कैमरा पर्सन देव प्रकाश के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर। तो उधर जयपुर नगर निगम ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर की कुर्सी